सुनते रहिए UBN0@Tarana से अर्पित बोड़ाना की बड़ी खबर आ रही है। आगामी त्योहारों व अयोध्या को लेकर हिंदू पक्षकारों व मुस्लिम पक्षकारों के माध्यम माननीय उच्च न्यायालय में बहस पूर्ण होने के बाद व संविधान पीठ का निर्णय अपेक्षित है। जनमानस से जुड़े होने के कारण प्रकरण सांप्रदायिक सौहार्द्य एवं कानून की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाने तराना में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में SDOP रविंद्र बोयत व गोविंद दुबे ने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी सभी सोशल साइट पर 144 धारा लगाना बताया। कहा कि अगर कोई भी इस पर आपत्तिजनक पोस्ट पाए जाने पर तत्काल दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए UBN0@ ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। उनको लेके एक शांति समिति की बैठक रखी गई है जिसमें तराना के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विभिन्न धर्म के जो काजी साहब सदर साहब हैं, उन लोगों को बुलाया गया है, उनसे मंथन किया गया है। शासन की तरफ से जो भी योजनाएँ उसके संबंध में बनाई गई उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। सर, आपने फेसबुक व्हाट्सएप के बारे में कुछ इन धाराओं का अवलोकन किया? फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ना हो इसके लिए जिले में धारा 144 जो है क्रियान्वित की गई है, उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए जो है हमने सभी वर्गों से अपील की गई है, उसके नियमों का पालन करने के लिए जो सभी को बताया गया है। कहा कि हम बहुत ही आपसे संबंध में बहुत अच्छा है, तो इसको देखते हुए हमने यहाँ मीटिंग भी बुलाई है और एक सद्भावना यात्रा, सद्भावना रैली निकालना है। तो हम 7 तारीख को हमने ऐसा कहा है कि शहर के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, पत्रकार बंधु जो भी लोग हैं जो उसमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, तो सद्भावना रैली हम 7 तारीख को करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वरिष्ठ लोगों को ये उनसे ये समन्वय करना है कि अगर कोई भी ऐसे ट्यूशंस वाले हैं जो अगर इस तरह के कोई करते हैं तो उन पर अगर हम कोई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें तो इन लोगों का सहयोग उसमें आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो इन लोगों को पास लोग जाते हैं और इनको सही जानकारी नहीं होने चाहिए, फिर उनके समर्थन में ना आए, और ऐसे लोगों पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ये हमारा मैसेज था। और ये देना व्हाट्सअप फेसबुक इसके लिए हमारे साइबर सेल में जितने भी जिले में ग्रुप बने हुए हैं सारे ही ग्रुप को उन्होंने वॉच पे रखा है, उसमें साइबर सेल रखेगा और 144 लगी हुई है। किसी भी ग्रुप में कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह जुलूस वगैरह है, कोई भी रैली है, इसके लिए भी 144 लगी जो बगैर पुलिस की और प्रशासन की अनुमति से कोई भी आयोजन अब नहीं होंगे, तो सभी चीज़ों की अनुमति लेना होगा। नहीं, अनुमति का तो जो है वो अनुमति तो जैसे जो आयोजन जिस तरह का उस तरह से अनुमति देंगे, ये उनका प्रशासन।